गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो टीवी के गजब खबरों के स्पेशल सेगमेंट में आज हम आपको रिवाइंड मोड में लेके जाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको थ्रोबैक वाले मूड में लेके जाने वाले हैं। वो भी किस शो के थ्रोबैक मोड में? बिग बॉस। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 14 जल्द ही कलर्स टीवी पे आने वाला है। शो का प्रोमो जो कि इस महीने की शुरुआत में सोशल मीडिया पर अनवील हुआ था, उसे धूम मचा दी है। फैंस बहुत एक्साइटेड है कि 14 सीजन ऑफ बिग बॉस में वो कौन कौन ऐसे सेलेब्स होंगे जो लॉक्ड होने वाले हैं। नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं, जैस्मिन भसीन का, कांचा पुरी का, पवित्र पुनिया का, निया शर्मा, विविन डिसेना, साक्षी चोपड़ा, पूजा बैनर्जी, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी प्रोबेबल कंटेस्टेंट लिस्ट में है। मेकर्स ने तो शुरू कर दिया अप्रोच करना। उठती उठती खबरें ये भी आ रही थी कि शो अगले महीने की 5 तारीख को लॉन्च होने वाला था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मेकर्स ने 1 महीने के लिए शो को पोस्टपोन कर दिया है और बिग बॉस सीजन 14 बिग बॉस 2020 अब 4 अक्टूबर को कलर्स टीवी पे लॉन्च होगा। जी हाँ, तो अगर अभी तक आपने टीवी गजब खबरें दिल्ली मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिग बॉस शुरू होने से पहले हम आपको रिवाइंड मोड में लेके जाने वाले हैं। इस स्पेशल सेगमेंट में हम आपको बताएंगे शो के विनर्स के बारे में, एक्स विनर्स के बारे में, एक्स फाइनलिस्ट के बारे में। तो किस चीज़ की देरी है, आइए अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। बिग बॉस में कोई भी सीजन उठा के देख ले, आप ये जरूर पाएंगे कि टीवी की कोई ना कोई पॉपुलर बहू सीजन में जरूर होती है। पिछले सीजन में रश्मि देसाई थी, देवोलीना भट्टाचार्जी थी। आप कह सकते हैं कि हमारी पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है जब बिग बॉस की बात करते हैं। लेकिन जो पहली टीवी की बहू थी जिन्होंने इतिहास रचा था बिग बॉस सीजन 4 को जीत के, वो थी हमारी श्वेता तिवारी, यानी कसौटी जिंदगी की प्रेरणा। जी हाँ, जो श्वेता तिवारी की राइवलरी थी डॉलरी बिंद्रा के साथ, वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया था सीजन 4 में। उनकी जो लड़ाई होती थी, श्वेता ने ग्रेट खली, WWE रेसलर ग्रेट खली को हराकर जीता था बिग बॉस 4 का किताब। श्वेता तिवारी के सीजन 4 जीतने के बाद बैक टू बैक टीवी की पॉपुलर बहुओं ने अपना जलवा दिखाया बिग बॉस में। सीजन 5 में आई थी जूही परमार, हाँ वही जूही परमार, हमारी कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन की कुमकुम, सबकी आदर्श भाभी। उन्होंने महक चहल को हराते हुए सीजन 5 बिग बॉस सीजन 5 का किताब अपने नाम किया था। इस शो की खासियत ये थी कि पहली बार 2 होस्ट थे, सलमान खान के साथ साथ संजय दत्त थे। तो उर्वशी ढोला, क्या आप सभी जानते होंगे, टीवी की कमौलिका थी, ओरिजिनल वैम थी। वो टीवी की बहू नहीं थी, लेकिन वो एक वैम थी, लेकिन उन्होंने भी एक जलवा दिखाया था बिग बॉस सीजन 6 में इमाम को। जी हाँ, इमाम सिद्दीकी को हराकर उन्होंने बिग बॉस 6 का किताब अपने नाम किया था। यह पहली बार ऐसा था कि कोई टीवी की कोई पॉपुलर वैम ने शो जीता था। 2 साल से लगातार बैक टू बैक बहुएं जीत रही थी, तो अब एक वैम ने शो जीत। सही पकड़े हैं, हाय दया। जब हम बात कर रहे हैं सेगमेंट में शिल्पा शिंदे की, जो कि है हमारी ओरिजिनल अंगूरी भाभी। ओरिजिनल अंगूरी भाभी ने सीजन 11 का किताब अपने नाम किया था, और इस सीजन में जो उनकी राइवलरी थी विकास गुप्ता के साथ, उसके अंदर क्या ही बताए, पूरा टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी। शिल्पा शिंदे ने एक और पॉपुलर बहू को हराया था, हीना खान को हराकर बिग बॉस 11 का किताब अपने नाम किया था। शो ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे TRP के। बिग बॉस सीजन 12 बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया था, ना ही TRP के मारे में, सोशल मीडिया में भी उतना बज नहीं था, और उसके बावजूद शो को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि एक और टीवी की बहू ने शो का किताब अपने नाम किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपिका काकड़ इब्राहिम की, यही हमारी सिमर बहू, ससुराल सिमर की वो आदर्श बहू, उन्होंने शो अपने नाम किया था। दीपिका को हमेशा क्रिटिसाइज़ किया जाता था फेलो कंटेस्टेंट हो जाए सोशल मीडिया पे, कि वो अपने जो सिमर वाली इमेज है वो उसी में रहती थी और अपना रियल साइड नहीं दिखाती थी। क्रिटिसिज्म के बावजूद भी दीपिका काकड़ इब्राहिम ने शीशांत को हराते हुए बिग बॉस 12 का किताब अपने नाम किया। क्या इस साल भी कोई टीवी की बहू ही विजेता होंगी, आप बताइए कमेंट सेक्शन में।